ब्रेस्ट सर्जरी अब जो ब्रेस्ट है उसे हम कहते हैं कि ये स्किन का एक अपेंडेज है इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड इसकी कॉम्पोजिशन देखे उसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी होते हैं फाइब्रस टिश्यूज़ भी होते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी होते हैं और फैट भी होता है अब जो ब्रेस्ट का फंक्शनल यूनिट है उसे हम कहते हैं टी डी एल यू टर्मिनल डक्ट लॉब्यूलर सिस्टम होता क्या है कि जहाँ लॉब्यूल्स होते हैं वो ओपन होते हैं टर्मिनल डक्ट में फिर ये टर्मिनल डक्ट जो है ओपन होती है सब बेुलर डक्ट में और सब एरे डक्ट फाइनली ओपन होती है एरेला के अंदर वहाँ से मिल्क जो है वो एक्सप्रेस होता है सो so जितनी भी सिक्रीशन होते हैं वो लॉप्यूल बनाता है और वो देता है टर्मिनल डाक में टर्मिनल डाकट आगे पास करती है जहाँ पर मेजर सब सबेरे डाक्ट है ये डाक जो होती हैं ये निप्पल के पीछे होती हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मेजर सब एरेर डाट्स ये ट्वेल्व से फिफ्टीन होती हैं और ये अपनी सिक्रीशन सारी जो है निप्पल के अंदर एक्सप्रेस करती हैं अब अगर नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो जो टर्मिनल डाकलोप्यूलर सिस्टम होता है वो वाटरी फ्लूइड जो है सिक्रीट करता रहता है और जैसे जैसे ये फ्लूड डक्ट्स में से पास करता रहता है ये एब्जॉर्ब होता जाता है और इसमें से कोई भी जो फ्लूड है वो निपल की सरफेस तक नहीं पहुँचता वो इसलिए क्योंकि जो निपल की डक्ट्स हैं वो कैरेटिन के साथ ब्लॉकड होती हैं प्लगड होती हैं हाँ अगर तो वुमेन मसाज करे तो ये जो कैरेटिन प्लग है ये डिसलॉज हो सकता है और इस तरह जो फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन हैं वो निपल के थ्रू बाहर आ सकती हैं अब इसका कलर जो है वेरी भी हो सकता है वाइट भी हो सकता है येलो ग्रीन भी हो सकता है ब्लू ब्लैक भी हो सकता है और यही वाली फिजियोलॉजिकल जितनी भी सिक्रीशज है ये हमारे पास टू थर्ड ऑफ नॉन प्रेगनेंट वुमेन में हो सकती हैं सिर्फ जब वो अपना निपल को रब करें या जेंटली क्लीन करें इसके बाद अगर ब्रेस्ट की अनेटमी की बात करें तो जैसे हमने कहा कि एक मॉडिफाइड स्वेटलैंड अपनेडिज है स्किन का तो ये हमारे पास होता क्या है सबसे बाहर होती है स्किन स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है उसके बाद डीप फेशिया और फिर मसल पड़े होते हैं जो पहला मसल आता है उसको कहते हैं दिस इज़ पैक मेजर पैकट्रालस मसल इस पैक के बाहर फेशिया चढ़ा होता है जिसे कहते हैं पैक फेशिया सो द ब्रेस्ट लाइज बिटवीन द स्किन एंड बिटवीन द पैक फेशिया इन दोनों के बीच में और फिशियर के साथ तो ये लूजली अटैच होती है अब स्किन के साथ किस तरह अटैच होती है well, स्किन के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ कूपर्स लिगामेंट कूपर्स लिगामेंट क्या है ये हमारे पास होता है क्लेविकल से लेकर रेक्टस रेक्टेबडामस तक और ये ब्रेस्ट को सस्पेंड करके रखता है सस्पेंसरी लिगामेंट है स्किन के साथ जोड़ के रखता है सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम क्लेविकल सुपीरियरली और नीचे जाता है एबडामनल वॉल में और जहाँ पर रेक्टस एबडामनस होता है फिर ये आकर यहाँ पर ब्लेंड हो जाता है रेक्टस एबडामनस के साथ एक्सटर्नल ऑब्लिक के साथ सेरेटस एंटीरियर के साथ इसी तरह अगर ब्रेस्ट की नैटवी को देखें तो ब्रेस्ट की एक थोड़ी सी टेल होती है जो कि बगल में जा रही होती है एक्जिला में जा रही होती है इसको कहते हैं एक्जिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट और ये किन दो मसल्स के बीच में होती है पैक मेजर और पीछे से लैट्स लेटिसमसटोर से आता है इट्स बिटवीन पैक एंड लैट्स और फिर यही एक्जिलरी टेल एक्जिला में जाकर ब्लेंड हो जाती है विद एक्जरी फैट आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो ब्रेस्ट को दो जगह से आर्टरी की सप्लाई मिलती है सुपीरियो मीडियली और सुपेरियो लैटरली सुपीरियो लैटरली किस तरह मिलती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी से विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्जिल्री आर्टरी और अगर बात करें सुपीरियर मीडियली एस्पेक्ट की तो फिर इसको ब्लड सप्लाई मिलती है इंटरनल मेमरी आर्टरी से ये क्या है ये हमारे पास सिर्फ परफोरेटिंग ब्रांचेज हैं इंटरनल थ्रेसिक आर्टरीज की तो अगर समराइज करें तो सुप्रो लैटरली इट इज़ सप्लाइड बाय लेटरल थ्रैसिक आर्टरी एंड सुप्रो मीडियली इट इज सप्लाइड बाय इंटरनल मेमरी आर्टरीज़ अब अगर थोड़ी हिस्टोलॉजी की बात करें तो जो टर्मिनल डार्कलॉब्यूलर सिस्टम है उसके अंदर सिंगल लेयर होती है कलमनर एपिथीलियम की क्योंकि जहाँ पे भी सिक्रीशन होती है वहाँ पर कलमनर एपीथीलियम होती है और ये सिंगल होती है कोई स्ट्रेटिफाइड नहीं होती सो इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ कलमनर एपीथीलियम और इसके राउंड पे मायो एपीथीलियम है जो कि कंट्रैक्ट करती है तो जो मिल्क होता है वो एक्सप्रेस करता है सो so, सिंगल लेयर ऑफ कलमनर एपीथीलियम सराउंडेड बाय मायो एपीथीलियम और जैसे ही डार्क स्किन को पहुँचती है तो स्किन के ऊपर क्या होती है स्टेटफार्स को बस नॉन करेटनाइज वो इसको जाकर जॉइन कर देती है सो so, जो सब एरेगुलर डक्ट्स है उनके जो टर्मिनल पोर्शन है जो स्किन के ऊपर खुल रहा है वहाँ पर जो सेल लाइनिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेटिफाइड मस एपिथीलियम लिफेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो मेन रूट है लिम्फैटिक स्प्रेड का वो एग्जिलरी नोड्स है अब ये एग्जिलरी नोड्स होते क्या है एग्जिला में होता है बिलो द एक्जिलरी वेन एवरेज हमारे पास 20 से 30 नोड्स होते हैं एक्जिला में और इन्हीं एक्जिलरी नोड्स के थ्री ग्रुप्स या थ्री लेवल्स बने होते हैं और ये लेवल बनाता कौन है पैक माइनर मसल नाउ दिस इज पैक माइनर मसल अब जितने नोड्स भी एक्जिला में पैक माइनर के लैटरल होंगे उन्हें लेवल वन कहेंगे पैक माइनर के नीचे होंगे उन्हें लेवल टू कहेंगे और पैक माइनर के जो मीडियल होंगे उन्हें लेवल थ्री कहेंगे सो so, जो लेवल वन के नोड्स हैं जो कि पैक माइनर के लेटरल साइड पर होते हैं दीज आर द नियरेस्ट टू द ब्रेस्ट और जब भी ब्रेस्ट कैंसर होगा तो सबसे पहले यही नोड्स अफेक्ट होंगे इसके अलावा जो लिम्फ है वो एक तो एक्सिलरी नोड्स में जा रहे हैं उसके अलावा कहाँ कहाँ और जा सकता है इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर जा सकता है और रोटर्स नोड के अंदर जा सकता है सो so, कभी कभार जो मेन रूट होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज का वो इंटरपेक्टोरल नोड्स होते हैं जो पैकट मसल्स के बीच में होते हैं और इन्हीं इंटरपेक्टोरल नोड्स को हम कहते हैं दीज आर रोटर्स नोट सो अगर समराइज़ करें ब्रेस्ट कैंसर एक्जिली नोड्स में जा सकते हैं जो कि 20 से 30 होते हैं और इनके तीन ग्रुप होते हैं लेट्रल एंड मीडियल टू पैक्ड मसल्स और नोड वन जो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसके अलावा इंटरनल मेमोरी के अंदर जा सकते हैं और पैकड मेजर और पैक्ड माइनर मसल्स के बीच में जो इंटरपैक्टोरल नोड्स जिन्हें रॉटर्स नोड कहते हैं इसके अंदर जा सकता है अब इन्वेस्टिगेट किस तरह करेंगे ब्रेस्ट डिजीज़ को वेल well, सबसे सब पहले हिस्ट्री लेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और मैमोग्राफी करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं एमआरआई करा सकते हैं और बायोप्सी करवा सकते हैं अब ये एम आर आई किस में कराना है बायोप्सी कब करनी है अल्ट्रासाउंड कब करना है मेमोग्राफी कब करनी है वेल well, मेमोग्राफी जो है ये बड़ी औरतों में करनी है जिनकी एज थर्टी फाइव ईयर्स से ज़्यादा है उनके अंदर मेमोग्राफी करनी है और जो छोटी बचियाँ हैं जो पैंतीस साल से छोटी हैं उनके अंदर अल्ट्रासाउंड सो so, अगर मेमोग्राफी की बात करें तो ये होता क्या है नॉर्मली ये लो वोल्टेज एक्सरेज़ होते हैं और हम इसको एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ इम्पाल्पेबल लंप अब होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो ब्रेस्ट के टिश्यूज एट्रोफी करते जाते हैं और लेस डेंस होते जाते हैं सो so ये जो लो वोल्टेज एक्स रेज हैं ये लेस डेंस टिश्यू के थ्रू जो है अच्छा पैनीट्रेट करती है जैसे जैसे अगर कोई हमारे पास पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा यंग है थर्टी फाइव ईयर्स से उसकी एज कम है तो उसका ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा डेंस होगा सो इस केस में मेमोग्राफी को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी सो so, मेमोग्राफी हम तब करेंगे जब एज थर्टी फाइव से ज़्यादा होगी वाई बिकॉज लो वोल्टेज रेज आर यूज इन इट और थर्टी फाइव ईयर्स के बाद जो है ब्रेस्ट टिश्यू का जाता है और लेस डेंस टिश्यू में से पास होना आसान हो जाता है इसी के कंट्राइरी एक और इन्वेस्टिगेशन है जिससे अल्ट्रासाउंड करते हैं अल्ट्रासाउंड हमारे पास डिस्क्रिमिनेट करेगा सिस्ट में और सॉलिड लीजन में अब जो अल्ट्रासाउंड है ना ये फ्लूड के लिए बड़ा अच्छा है सो सिस्टिक लीजेंस को ये बहुत अच्छा पिक करेगा और इसको हम यूज़ करेंगे बिफोर थर्टी फाइव ईयर्स क्योंकि चाहे जितनी मर्जी ब्रेस्ट की डेंसिटी के अंदर जो फ्लूड है अल्ट्रासाउंड उसे पिक कर लेगा सो मेमोग्राफी इज़ फॉर ओल्डर वुमेन और जो अल्ट्रासाउंड है वो यंग वुमेन के लिए उसके अलावा एम आर आई करवा सकते हैं एम आर आई जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा स्कार है कि या फिर लोप्युलर कैंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट की ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है तो हम उसको बाद में एम आर आई करवा देंगे और पता लगा सकते हैं कि ये स्कार है या फिर रिकरेंट कोई कैंसर है इसके इसमें लोप्यूलर कैंसर भी हो सकता है डॉक्टर कार्सिनोमेंट्यू भी हो सकता है और एक यूज़फुल स्क्रीनिंग टूल है इसके अलावा जो एम आर आई है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी बेस्ट मॉडिलिटी है और फाइनली हम बायोप्सी करवा सकते हैं इसमें वेरियस टेक्निक्स हैं फॉर एग्जांपल एफ एन ए सी है ट्रूकट नीडल है इंसीजनल है एंड सो एंड सो उसके अलावा ट्रिपल असेसमेंट करेंगे वेल well, जब ट्रिपल असेसमेंट हम कर लेते हैं तो हम 99 नाइन परसेंट विथ कॉन्फिडेंस डायग्नोसिस अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं ट्रिपल असेसमेंट में होता है क्या है तीन चीज़ें देखते हैं क्लिनिकल असेसमेंट रेडियोजिकल असमेंट एंड हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस क्लिनिकल असमेंट में क्या करेंगे वेल well, हिस्ट्री लेंगे और एग्जामिशन करेंगे हाथ शाद लगा कर देखेंगे तसली करेंगे उसके अलावा रेडियोलॉजिकल असमेंट हो सकती है जिसमें मेमोग्राफी होगा अल्ट्रासाउंड होगा एम आर आई होगा सो ये जितनी रेडियोलॉजिकल चीज़ें ये कराएँगे और थर्ड हिस्टोलॉजिकल एनालिस जिसमें एफ एन ए सी ट्रूकट और फाइन नीडल और ये सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं नेक्स्ट इज़ निपल रिट्रैक्शन अब इसमें होगा क्या कि निपल अंदर की तरफ चला जाएगा रिट्रैक्ट हो जाएगा ये प्यूबर्टी में भी हो सकता है और लेटर इन लाइफ भी हो सकता है सिंपल भी हो सकता है पैथोलॉजिकल भी हो सकता है अगर वो सिंपल रिट्रैक्शन है तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ सिंपल निपल इन्वर्जन इसके अलावा मसला यह है कि काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल फीडिंग प्रॉब्लम्स कर सकता है और ये तो हमारे पास सिंपली फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन एक हमारे पास पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन भी हो सकती है सो so, अगर कोई निप्पल जो है वो रिसेंटली अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गया रिट्रैक्ट हो गया नाउ दिस इज़ पैथोलॉजिकल इसके अलावा निप्पल रिट्रैक्ट हुआ है और साइड पर स्लिट लाइक अपेरस आ गया ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटू सा एक कट बन गया नाउ दिस इज़ कॉज बाय डाक एक्टेजिया डाक मीन्स जितनी मेमोरी डाक्ट है एक्टेजिया मीन्स ये डायलेट हो जिस तरह ब्रोंकि एक्टेज़ में सारा ब्रोंकाए डायलेट हो जाते हैं इस है, तरह डार्क एक्टेजिया में सारी डाक्ट्स जो हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाती हैं सो स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन इज़ बिकॉज ऑफ डार्क टेक्टेजिया और अगर सरकमफ्रेंशियल नेपल रिट्रैक्शन है सारा निपल जो है वो सरकमफ्रेंशली रिट्रैक्ट हो गया है इसका मतलब को, है कि कोई अंडरलाइन कार्सिनोमैन जो रिट्रैक्ट करें अब निपल रिट्रैक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियसली ठीक हो सकती है खुद ही जब प्रेगनेंसी शुरू हो लेक्टेशन शुरू हो तो जो इन्वर्टेड फिजियोलॉजिकल निपल रिट्रैक्शन है वो ठीक हो जाएगी लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी uh, भी इसकी करवा सकते हैं कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए उसके अलावा मैनुअल सक्शन भी कर सकते हैं मतलब सक कर लें तो वापस है निपल जो है बाहर आ जाएगा सो ये सारे तरीके हैं नेक्स्ट इज़ क्रैक निपल अब होता क्या है कि जब लैक्टेशन हो रही होती है तो इस दौरान तो निपल के अंदर दरारें आ जाती हैं चीर आ जाते हैं अब जब भी निपल क्रैक हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें फ़ौर रोक देनी चाहिए ट्वेंटी फोर से फोर्टी एट आवर्स के लिए और ब्रेस्ट पम्प से ब्रेस्ट को जो है इवैक्वेट कर लेना चाहिए अंदर जितना मिल्क है उसको बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है और यहाँ पर लैक्टोबसेल्स वगैरह अगर आ गए तो ब्रेस्ट एबसिस बन सकता है सो so, जब भी निपल के अंदर क्रैक आना है फ़ॉर लैक्टेशन रोक देनी है एक से दो दिन के लिए इसके इसमें ब्रोमोक्रीन भी दे सकते हैं और फौरन ब्रेस्ट को इवैकुएट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप या फिर सक्शन वेल इसके बाद निपल डिस्चार्ज है अब होता क्या है कि आ, डिस्चार्ज में सीरियस भी निकल सकता है ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है कलर्ड भी हो सकता है ब्लैक भी ग्रीन भी सो ये सारी चीजें हो सकती हैं तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे पहली बार जब भी डिस्चार्ज होगा मलिगनेंसी को एक्सक्लूड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल असेसमेंट एक दफा मलिगनेंसी रूल आउट हो जाए फिर हम पेशेंट को सिर्फ तसली दे देते हैं कि कोई नहीं यार ऐसे होता रहता है निकलती रहती हैं चीज़ें ब्लड भी निकल जाता है है, कलर भी निकल जाता है खैर तो अब अगर कॉजेज देखें कि निपल डिस्चार्ज क्यों हो सकता है वेल well, निपल डिस्चार्ज सरफेस से भी हो सकता है सिंगल डक्ट से भी हो सकता है और मोर देन वन डक्ट से भी हो सकता है सरफेस की बात करें तो इसमें पाजट्स डिजीज आती है और एक्जिमा आ सकता है सिंगल डक्ट में से बात करें तो ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है और सीरियस डिस्चार्ज भी हो सकता है जब भी ब्लडी डिस्चार्ज होगा इसका मतलब या कोई पैपिलोम वो डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है या कार्सिनोम या एक्टेजिया सो ब्लडी डिस्चार्ज की तीन कॉजेज़ हैं पैपिलोमा कार्सिनोमा और एक्टेजिया यानी परमानेंट डायलिटिशन ये डक्ट की कॉजेज़ हैं इसके अलावा अगर सीरियस डिस्चार्ज हो रहा है सिंगल डक्ट में से यानी अंदर से फ्लूड निकल रहा है ब्लड नहीं निकल रहा तो इसका मतलब कि फाइब्रोएडिनोसिस हो सकता है डाक या कार्सिनोमा सो so, डाक और कार्सिनोमा में से ब्लड भी आ सकता है और सीरियस भी आ सकता है लेकिन पेपिलोमा में से हमेशा ब्लड आएगा और फाइब्रोइिगनोसिस में से हमेशा सीरियस आएगा हाँ इसके अलावा अगर डिस्चार्ज की बात करें फ्रॉम मोर देन वन डाट अगेन ब्लड भी हो सकता है मिल्क uh, भी हो सकता है पुलेंट भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है ब्लड आया तो इसके तीन मतलब हैं कार्सिनोमा डकट और पेपिलोमा वही तीन जो पहले पड़े थे सिंगल डाक थे वो मोर देन वन डाक में भी हो सकते हैं हाँ अगर ब्लैक डिस्चार्ज है तो इसका मतलब डक्ट एक्टेजिया और अगर पुरोलैंड पास वाला डिस्चार्ज है तो हो सकता है कि मैस्टाइटाइटिस है उसके अंदर कोई एप्सिस वगैरह बन गया है और अगर मिल्क निकल रहा है तो एक हो सकता है या तो लैक्टेशन हो रही हो या तो हाइपोथायरॉडिज़म हो रही हो या फिर प्रोलैक्टिनोमा हो जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है सो so, मिल्क की तो कॉजेज समझ आती हैं लैक्टेशन हाइपोथायरॉडिज़म और प्रोलैक्टिनोमा प्रोलेक्टीनोमा पोलेंट इन मैस्टेटाइटस ब्लैक डिस्चार्ज इन डिकेजिया एंड ब्लड डिस्चार्जेस सीन इन कार्सिनोमा डाक और पेपिलोमा अब अगर एक पेशेंट आ रही है निपल डिस्चार्ज के साथ तो पहले उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन लिखनी है और जब एग्जाम करेंगे तो देख लेंगे कि उसके अंदर कोई लंप है या नहीं है अगर तो लंप है तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर यानी मिलिग्नेसी को रूल आउट करेंगे और अगर लंप नहीं है सिर्फ डिस्चार्ज के साथ आ रही है तो हम देखेंगे मिल्क डिस्चार्ज है कलर डिस्चार्ज है या सीरियस है मिल्क है तो हम देखेंगे कोई उसकी ड्रग हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है कोई एंडोक्राइन काजेज तो नहीं है कलर डिस्चार्ज है तो फिर री एश्योर देंगे कोई नहीं बहन ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें निकलती रहती हैं और अगर सीरस या फिर ब्लड ही डिस्चार्ज है तो देख लेंगे रिजॉल्व हो गया तो ठीक है री कर देंगे नहीं रिजॉल्व हो रहा परसिस्टेंट है मेमोग्राम करवाएंगे जब मेमोग्राम करवाएंगे अगर तो वो नॉर्मल है तो हम सिंपली जो है उसको छोड़ देंगे हाँ अगर सिमटोमेटिक है प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तो टोटल uh, एक्सीजन कर सकते हैं या फिर माइक्रोडक्टमी कर सकते हैं डक जो है माइक्रोडक्ट्स उनको निकाल दें हाँ अगर सीरियस ब्लड स्टेन है परसिस्टेंट भी है मैमोग्राम भी करवाया और उस मैमोग्राम के अंदर कुछ अब नॉर्मलिटीज़ आ रही है तो हम फिर फर्दर वर्कअप करवाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए ओके नेक्स्ट इज़ फाइब्रोएडिनोमा एडिनोम दिस इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट अब क्योंकि एडिनोमा है तो ये बिनाइन है और ये होता क्यों है दैट्स बिकॉज ऑफ एक्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ लॉब्यूज अब ये किन पेशेंट्स uh, के दरमियान होगा गए उनकी एज होगी 15 से 25 मोस्ट लाइकली और फाइब्रोएडिनोमा को हम कहते हैं दिस इज ब्रेस्ट माउस ऐसे लगता है कि जैसे ब्रेस्ट के अंदर कोई चूहा फिर रहा है और बड़ा ये मोबाइल सा रबड़ी सा मैस होता है सो इट इज़ अ फर्म रबड़ी एंड मोबाइल मैस आप डायग्नोसिस किस तरह करेंगे अगेन ट्रिपल असेसमेंट करेंगे और अगर फाइब्रो एडनोमा कन्फर्म हो जाता है निकल आता है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जस्ट पेशेंट को जो है वो रीअश्योर कर देंगे हाँ अगर तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है फाइव सेंटीमीटर से बड़ा है जिसे हम कहते हैं जाइंट फाइब्रो एडनोमा तो फिर इसकी ई e न्यूक्ेशन करेंगे इसके अलावा एक और कंडीशन में भी ई e न्यूकुलेशन कर सकते हैं हमने इसकी साइटोलॉजी कराई हिस्टोपैथोलॉजी कराई और उसमें सेल्स जो हैं वो सस्पिशियस है मेलेग्नेंट है फिर भी हम इसकी ई e न्यूक्शन करेंगे सो ई न्यूलेशन किस केस में कर सकते हैं सस्पिशियस हिस्टोलॉजी में कर सकते हैं और जॉइंट फाइब्रो एडनोमा में कर सकते हैं इसको हम अगेन ब्रेस्ट माउस कहते हैं क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मोबाइल है ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह घूम जाएगा फर्म रबड़ी मोबाइल मास है नेक्स्ट इज ट्यूमर ये जो ट्यूमर है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के इसीलिए हम इन्हें कहते हैं दीज आर ट्यूमर लेस कॉमन देन फाइब्रोएडिनोमा और ये राइज करते हैं स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट से ये हमारे पास यूजली है है, हो सकते हैं और बाद में 40 साल के बाद मलेग्नेंट हो सकते हैं पहले हम इन्हें कहते थे कि दीज आर प्रोडी ट्यूमर या सिस्टोसारकोमा फिलोइडीज़ बाद में इनके काफ़ी नाम रखे गए खैर इन्हें फिलोयडीज ट्यूमर ही कहते हैं और ये किस रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज मैसिव ट्यूमर है और पॉसिलेटेड सर्फिस है और ये अल्सरेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर नेक्रोसिस अब जैसा कि पढ़ा है कि ट्यूमर जो है ये मैसिव है लार्ज हैं इतने ज़्यादा लार्ज है कि प्रेशर नेक्रोसिस के बाद अल्सरेशन कॉज कर देते हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी मोबाइल है बात की कि ये बिनाइन है लेकिन जब ये मेटेस्टिस करते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करते हैं ट्रीटमेंट में क्या है वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे उसके अलावा मेस्टेक्टमी भी कर सकते हैं अगर ट्यूमर बार बार रियकर हो रहा है या फिर मिलिग्नेट हो गया नेक्स्ट इज गलेक्टोरिया ग्लैक्टोरिया में क्या है डिस्चार्ज होगा मिल्क का और ये जो मिल्क होगा ये क्यूपियस होगा बायलैटरल होगा एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अगर मिल्क निकलने लग जाए तो हो सकता है कि कोई ड्रग्स हो फॉर एग्जांपल डोपाम एंटैगनिस्ट क्योंकि ये प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ करती हैं कोई पिट्यूटरी एडनोमा हो फॉर एग्जांपल हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो कोशिंग डिजीज़ हो हाइपोथॉराडिज़म हो इन सारे केसेस में मिल्क का डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट हो सकता है ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं वेल जितने भी फैक्टर्स उन्हें कॉज कर दें ड्रग है तो ड्रग को मेट कर दें कोई एडनोमैपीचोट्री का तो उसे रिमूव कर दे या फिर हम सिंपली डोपामिन रिसेप्टर स्टिमुलेंट दे सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन और ये ब्रोमोक्रिप्टीन क्या करेगी दिस इज गोइंग टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन और रेयर केसेज में जो है सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं डाक लाइगेशन नेक्स्ट इज गलेक्टोसील सील इन सिस्ट और गलेक्टोमीन्स के इसमें लैक्टेज और ये सारी चीज़ें जो है फिल है मिल्क जो है वो फिल है सो गलेक्टोसील इज़ अ सब एरे सिस्ट यानी एरेला के नीचे एंड इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लैक्टेशन ट्रीटमेंट क्या है सिंपली सिस्ट है तो नीडल एस्परेशन करेंगे इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ ब्रेस्ट सिस्ट ये क्या होता है ये ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट होती हैं लेकिन जैसे जैसे पेशेंट जो है वो लास्ट एज में जाता है ठीक है ज़िंदगी के आखिरी आखिरी टाइम में जाता है तो ब्रेस्ट सारी उस वक्त ए हो रही होती है सो जितनी इन हो रही होती है स्ट्रोमा की और एपीथीलियम की तो उसकी वजह से सिस्ट जो है ब्रेस्ट के अंदर रह जाती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रेस्ट सिस्ट सो जो ब्रेस्ट सिस्ट है वो थोड़ी डिफरेंट है गलेक्टोसील से गलेक्टोसील में लैक्टेशन होगी सबेरियोलर सिस्ट होगी अब ब्रेस सिस्ट जो है वो रिलेटेड है विद द एट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड इन्वोल्यूशन ऑफ स्टोमा एंड एपेथीलियम नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट सिस्ट अब एज के साथ साथ ब्रेस्ट के अंदर अगर सिस्ट पड़ गई है तो किस तरह मैनेज करेंगे वेल नीडल एस्परेशन करेंगे अगर तो कंप्लीटली रिजॉल्व हो गई है और जो फ्लूड है उसके अंदर ब्लड नहीं आ रहा तो बस ठीक है इट्स ओके और अगर कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुई रियकर हो गई है या फिर जो हमने एस्पायर किया उसके अंदर ब्लड आ गया या फिर एस्पायर करने के बाद जो सिस्ट है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है तो फिर हम क्या करेंगे या कोर बायोप्सी करवाएंगे या लोकल एक्सीजन कराएंगे ताकि हम मेलेग्नेंसी को रूल आउट करें या फिर जो हमने अंदर से फ्लूड एस्पायर किया उसकी साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे उसके बाद है एमेजिया यानी बगैर किसी मज़े के सो इट्स अ कंजैनिटल एबसेंस ऑफ ब्रेस्ट और इसके बाद पोली बहुत सारे मज़े सो इट इज़ एक्सेसरी ब्रेस्ट अब पोली की कौन कौन सी कॉमन साइट्स हो सकती हैं वेल एक्सेसरी ब्रेस्ट हो सकती है एक्जिला well, के अंदर ग्रोइन के अंदर बटक्स के अंदर थाई के अंदर और जब लैक्टेशन होती है तो इनके अंदर से भी मिल्क जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट क्या है सिंपली एक्सरसाइज कर देना अब कभी कभी होता क्या है कि एक्ज़िला के अंदर पोलीमेजिया हो जाता है एक्सेसरी ब्रेस्ट आ जाती है सो so, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेसरी ब्रेस्ट है या कोई लाइपोमा वगैरह नहीं है सो so, जो लाइपोमा होगा उसकी सरफेस जो होगी वो स्मूथ सी होगी और जो एक्सेसरी ब्रेस्ट है उसके ऊपर निपल होगा सो so, अगर निपल आ जाता है तो इसका मतलब दिस इज़ पोलीमेजिया नेक्स्ट इज़ डिफ्यूज़ हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट अब इसमें होगा क्या कि ये फर्स्ट प्यूबर्टी भी हो सकती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के ऊपर हो सकती है या फिर ये टोटली हेल्दी गर्ल्स के अंदर भी हो सकती है सो so, किसी कंडीशन में भी हो सकती है हेल्दी हो सकती है प्यूबर्टी हो सकती है या फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सकती है अब यूनीटरल की कंडीशन भी हो सकती है और बायोलेट्रल भी हो सकती है जैसे कि है डिफ्यूज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट तो इसमें एनॉर्मस साइज़ की जो ब्रेस्ट होंगी ना वो हो जाएंगी इतनी बड़ी हो जाएंगी कि पेशेंट जब बैठेगा ना तो आके गोडों को टच होंगी सो so, इसमें डिफ्यूज़ हाइपोट्रोफ्योगी ब्रेस्ट की अब होता क्यों है दैट्स बिकॉज ऑफ एक्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू टू एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन उतना ही होता है टिश्यू जो होता है हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट सिंपली क्या करेंगे एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी करेंगे और रिडक्शन मेमोप्लास्टी अगर सर्जिकल अप्रोच देखे तो नेक्स्ट इज द हिमाटोमा अब होता क्या है कि वैसे ही कोई ट्रॉमा हो जाए और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता मतलब इतना कोई माइनर सा ट्रॉमा होता है कि वो हिस्ट्री में उनको याद भी नहीं होता कि अच्छा ऐसी कोई किसी ने मारी थी या लगी थी कोई चपेट चपूड़ लगी थी या ट्रोमा लगा था तो हिमाटोमा में होगा क्या कि कोई ट्रामा होगा सबसे पहले और उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर लंप बन जाएगा सो so, ये जो मैस ऑफ ब्लड है जिसे हम हीमाटोमा कहें दिस इज हिमाटोमा ऑफ ब्रेस्ट सो so, इसमें लंप बन जाएगा और फिर हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे कार्सिनोमा से विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी। नेक्स्ट इज़ द फैट निक्रोसिस ये भी ट्रॉमा के बाद होगा और इसमें भी लम्प बन जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल कार्सिनोमा है सो बायोप्सी करवाएंगे ताकि मिलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करें नेक्स्ट इज द ब्रेस्ट एप्सिस अब ये होता क्यों है दैट्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल मैस्टाइटस एप्स जो है वो लैक्टेशनल भी हो सकता है और नॉन लैक्टेशनल भी हो सकता है सो इन सिंपल वर्ड सबसे पहले ब्रेस्ट मैस्टाइटिस होगा इन्फ्लमेशन होगी वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन होगा फिर बैक्टीरिया आकर वहाँ पर पस बना देंगे पस की थैली बना देंगे जिसे ब्रेस्ट एप्सिस कहेंगे अब अगर बात करें लैक्टेशनल ब्रेस्ट एपस की तो ये और की वजह से होगा और होता क्या है कि नॉर्मली स्टैफ और जो होता है नाक के अंदर रह रहा होता है सो so जैसे ही छोटा बच्चा निपल को मुंह लगाता है वो निपल में से तो पी रहा होता है दूध लेकिन अपनी नाक में से जो स्टैफ़ और है वो ब्रेस्ट के अंदर डाल रहा होता है सो so स्टैफ की वजह से लैक्टेशनल ब्रेस्ट ऐपस हो सकते हैं और अगर नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एप्सिस की बात करें तो ये नौतों में होगा जो सूटें लगाती रहती हैं थोड़ी बड़ी आंटियाँ सी हैं मिडल एज की हैं स्टेप्टोकोकस की वजह से होगा एन की वजह से होगा और अगर पोजीशन की बात करें कि नॉन इलेक्ट्रेशनल ब्रेस्ट एप्सिस कहाँ कहाँ हो सकता है ये एरियोला के राउंड भी हो सकता है और पेरीफ्री पे भी हो सकता है अगर तो ये एरियोला पे हुआ ठीक है वो जो ऑरेंज सा एरिया होता है तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ पेरी एरियोलर ब्रेस्ट एप्सिस और अगर इससे बाहर हो गया मतलब पूरी इतनी मोटी ब्रेस्ट के ऊपर कहीं हो गया तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ पेरीफ्रल ब्रेस्ट एप्सिस अब जो पेरी एरियोलर ब्रेस्ट एप्सिस होता है वो क्यों होता है दैट्स बिकॉज ऑफ डक्टल इन्फ्मेशन क्योंकि एरेला के नीचे ही सब एरेर डक्ट्स होती हैं जब उनकी इन्फ्लामेशन होती है तो पैरी एरेर एब्सेस बनते हैं इसके अलावा अगर नॉन इलेक्ट्रिक्ट ब्रेस्ट एप्सिस बन गया पेरीफ्री पे भी यानी जो एरियोल है उससे भी बाहर पूरी इतनी मोटी ब्रेस्ट के ऊपर कहीं भी बन गए तो हो सकता है कि पेशेंट जो है डायबिटीज़ हो लो स्टीरॉइड्स के साथ हो रोमोटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हो सो क्लिनिकल फीचर्स क्या है ब्रेस्ट एप्सिस के पेन होगी रेडनेस स्वेलिंग और फ्लक्चुएशन करेंगे तो बाद में तब पॉजिटिव होगी जब इसके अंदर पस पड़ जाएगी ट्रीटमेंट क्या है वेल एप्सिस से पहले अगर तो सेलोलाइटिस का फेस चल रहा है तो सिर्फ इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर एग्जांपल फ्लू क्लॉगज इन दे सकते हैं ब्रेस्ट को सपोर्ट करेंगे लोकल हीट देंगे अनर्जीजिया देंगे ये सारे जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन है हाँ एक दफ़ा अगर एप्सिस डिवेलप हो गया तो फिर क्या करेंगे ड्रेनेज करेंगे या उसकी एस्परेशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को फ़ौर ही रोक देंगे स्टॉप कर देंगे ब्रेस्ट को एमटिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पम्प ताकि इसके अंदर कंजेस्ट ना हो बैक्टीरिया ना पड़े एप्सिस ना बने और लैक्टेशन को किस तरह रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमोक्रिप्टीन इंसीजनल और ड्रेनेज की बात करें ब्रेस्ट की तो इस केस में हम दो इंसिजन दे सकते हैं रेडियल इंसीजन भी दे सकते हैं और सरकम एरेर इंसीजन भी दे सकते हैं अब जो पेशेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक केयर की प्रॉब्लम होती है जिन्होंने बार बार ब्रेस्ट को देखना होता है कि बुरी ना लगे बदसूरत ना लगे तो उन पेशेंट्स के अंदर सरकम एरि इंसीजन देंगे गोल गोल सा इस तरह जा जिससे इस तरह एरेला जा रहा है और अगर जो कहती हैं बस ठीक है क्या ही करना सारी जिंदगी गुजार ली है तो फिर उनके अंदर रेडियल इंसिजन देते हैं रेडियल का मतलब जिस तरह रेडियस होता है ठीक है इस तरह सेंटर से लेकर बाहर की तरफ एक चीरा देते हैं और इंसिजन देंगे क्या एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इसके बाद बात आती है मेमोरी डक्ट फिस्टूला की फिस्टूला में पता है कम्युनिकेशन होती है किसी दो स्ट्रक्चर के बीच में सो so इस केस में कौन से दो स्ट्रक्चर होंगे पहली बार स्किन होगी दूसरी बार डक्ट होगी जो स्किन होगी वो एरियोला के अराउंड होगी पैरी एरियोलर स्किन होगी और जो डक्ट होगी दिस इज़ गोइंग टू बी एन एबनॉर्मल मिल्क डक्ट। सो मैमरी डक फिस्टूला इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरीगेरियोला स्किन एंड एबनॉर्मल मिल्क डक्ट। अब ये होता क्यों है फिस्टूला बनता क्यों है हो सकता है पेशेंट को पहले डकटिकीजी हो एबनॉर्मल डक्ट बन गई हो या फिर पेरीडक्टल मैसटाइटस हो इन्फ्लामेशन वगैरह हो, हो तो वो डक्ट अब नॉर्मल बन गई हो या फिर ब्रेस्ट एप्स की हमने ड्रेनेज की हो तो इन सारे केसेस में फिस्टूला बन सकता है ट्रीटमेंट क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स एंड सजेशन ऑफ स्मोकिंग और एक्सीजन करेंगे डिजीज डक्ट का नेक्स्ट इज मडोज डिजीज़ अब होता क्या है कि नॉर्मली वेंस हमारे पास दो तरह की होती हैं कुछ सुपरफिशियल होती हैं कुछ डीप होती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं उनके अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और अगर डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस वगैरह बन जाए तो उन्हें हम कहते हैं डीवीटीज़ सो जो जो मॉडोर्स डिजीज़ है इसमें होता क्या इट्स अ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द वेंस जितनी भी वेंस ब्रेस्ट के ऊपर हैं एब्डोमिनल वॉल के ऊपर है उनके अंदर थ्रोम्बस आ जाएगा उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी वो थिक हो जाएंगी कॉर्ड लाइक होंगी जब पैलपेट करेंगे और ये कंडीशन जो है नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग है और अगर नहीं ठीक हो रही तो एनसेट दे सकते हैं नेक्स्ट इस डाक्ट एक्टेजिया एक्टेजिया का मतलब है परमानेंट डायलेटेशन जिस तरह ब्रोंक एक्टेज में ब्रोंक डायलेट हो जाते हैं सो इस तरह डक्ट एक्टेजिया में डार्ट जो हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाएंगी इसको कहते हैं पेरीडक्टल मास्टाडाटस दैट्स अ डायलेटेशन ऑफ ब्रेस्ट डक्ट्स और इसकी एसोसिएशन है पेरीडक्टल इन्फ्लामेशन के साथ फॉर एक्जाम्पल पेरीडक्टल मास्टाइटस कॉमन कॉज जो है वो अनक्लियर है लेकिन स्मोकर्स के अंदर होती है तो ऐसी औरतें जो कि सूटे बहुत ज़्यादा लगाती हैं गोल्ड लीफ हो गए या डन हिल हो गई फिर अगर उनकी वो दिख जाए ना तो उसके अंदर जितने डक्ट्स होंगे वो परमानेंटली डायलेटेड होंगे डाक टेक्टेजिया की पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले होगा क्या कि टेम्प्रेरी सी डायलेटेशन होगी ठीक है एक या दो से ज़्यादा डक्ट्स की फिर उसके अंदर सक्रीशन जो हैं वो भर जाएंगी ग्रीन हो सकती है ब्राउन हो सकती हैं सो अगर ग्रीन ब्राउन सिक्रीशन निकल रही हैं दिस इज गोइंग टू बी डाक टेक्टेजिया फिर ये सक्रीशन नेपल से डिस्चार्ज होंगी और फिर कुछ जो फ्लूड होगा वो वहीं पर रह जाएगा स्टेगनेंट हो जाएगा अब वो इतनी देर जब वो स्टे करेगा तो सारे डक्ट के अंदर इरीटेशन करेगा इन्फ्लामेशन करेगा जिसकी वजह से परमानेंटली डायलेशन हो जाएगी एप्सस बन सकता है फिस्टूला बन सकता है या फिर कुछ और केसेस में जो एरियोल है उसके अंडर एक मैस बन सकता है एंड दिस इज़ इंड्यूरेटेड मैस जो कि ऐसा लगेगा बिल्कुल ही कैंसर है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना मस्ट है सो एप्स बन सकता है फिस्टूला हो सकता है परमानेंटली डायलटेशन हो सकती है ग्रीन ब्राउन सिक्रीशन हो सकती है, है या एरियोला के बीनीथ इंडिरेटेड मैस बन सकते हैं बाद में लेटर स्टेजेस में जिस तरह हमें पता है इंजरी होती है इन्फ्लामेशन होती है तो फाइब्रोसिस हीलिंग भी होती है सब जब फाइब्रोसिस होगी तो जो निपल है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा और स्लेट लाइक रिट्रैक्शन होगी हमने पढ़ा जो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन होती है दिस इज डार्क और जो सर्कम रिट्रैक्शन होती है दैट मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा सो so, अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें डाक टेक्टेजिया की तो इसमें निपल डिस्चार्ज होगा सब एरेर मैस हो सकता है मेमरी डक्ट फिस्ट्यूला बन सकते हैं या फिर निपल रिट्रैक्शन हो सकती है दैट इज़ स्लिट लाइक ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कार्सिनोमा को एक्सक्लूड करना है किस तरह करना है ट्रिपल असेसमेंट से करना है अगर तो हमारी पेशेंट सूटे लगाती है तो स्मोकिंग को रोकना है एंटीबायोटिक्स देनी है फॉर एग्जांपल मैट्रोनाइडाजोल देनी है या फ्लू देनी है उसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं डिफिकल्ट केसेज में आप सर्जरी में करेंगे क्या हेड फील्ड ऑपरेशन करेंगे और इसमें जितनी भी मेजर मेजर डाक्ट्स हैं जिनके अंदर डिजीज़ है उन सारी मेजर डाक्ट्स को जो है वो निकाल देंगे एक्सरसाइज कर देंगे ओके नेक्स्ट इज एंडी विच इज़ एबरेशन ऑफ नॉर्मल डिवेलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन ये थोड़ा सा स्पाइसी नाम है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ या फाइब्रोसिस्टिक चेंज का अब ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होती क्या है ये कलेक्शन है डिफरेंट बिनाइन डिजीजेज ऑफ ब्रेस्ट की इसको हम कह सकते हैं फाइब्रो एडिनोसिस मैस्टोपैथी क्रॉनिक मैस्टाइटस और मेमरी डिस्प्लेसिया नॉर्मली ये उन वूमेन के अंदर होती हैं जो प्री मेनोपजल होती है जो बस मेनुप में जाने वाली होती हैं हाँ किसी भी एज में भी हो सकता है अब होता क्या है कि जिस जिस तरह वुमेन अपनी लाइफ जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ वो जीती है इस तरह ब्रेस्ट के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं पहले बहुत छोटी फिर बड़ी फिर जब प्री मेनोपोजल स्टेज के अंदर चल जाती है तो उसके अंदर एंड ही होती है या फिर फाइब्रोसिस्टिक चेंज या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होती है अब ये चेंजेस क्या है जिस तरह नाम बता रहा है एक फाइब्रोसिस होनी है एक इसके अंदर सिस्ट बननी है तीसरी बात जिस तरह ये बूढ़ी माइयों को देखिए इतने बड़े बड़े होती हैं तो इसमें हाइपर प्लेजिया भी हो सकता है सो so, फाइब्रोसिस हो सकती है सिस्ट बन सकती है हाइपर प्लेजिया हो सकता है या पेपिले बन सकते हैं जिन्हें हम पेपिलोमोटोसिस कह सकते हैं सो सिस्ट वेरिएबल इन साइज़ फाइब्रोसिस क्या है so, cyst, size, कह, अब जितना भी फैट और इलास्टिक टिश्यू होता है ब्रेस्ट के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और उसकी जगह फाइब्रस टिश्यू की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इसके अलावा हाइपर प्लेजिया हो सकता है साइज बहुत बड़ा हो सकता है और पेपिलोमोटोसिस भी हो सकता है क्लिनिकल फीचर्स क्या है वेल लंपी ब्रेस्ट हो जाएगी इतना बड़ा अजीब सा लंप बन जाएगा ज़ाहिर दसिस आ गई और फाइब्रोसिस होगी है और उसके अलावा नॉन सिक्लिकल मेस्टेलजिया ऐसी ब्रेस्ट पेन जो कि साइकिल यानी मैस्ट्रल साइकिल से रिलेटेड ना हो सो so, पेन होगी और बड़ी ब्रेस्ट होगी बड़ी, हो बड़ी ब्रेस्ट और पेन दिस इज़ एंडी सो ट्रीटमेंट क्या करनी है वैल well, लंपीनेस की अपनी ट्रीटमेंट है और मैस्टाइल की अपनी ट्रीटमेंट है अगर तो लम्पीनेस हो रहा है ऐसा लग रहा है अंदर लंप है तो पहली बात हमने मलेग्नेसी को एक्सक्लूड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एग्जामिनेशन फिर हमने पेशेंट के जो लाइफ uh, स्टाइल है उसको रिव्यू करना है फिर उसको कहना है अपना रिलेशन वगैरह बताओ मैंस्ट्रल साइकिल के साथ क्योंकि जब मैंस्ट्रोअल साइकिल होती है उससे आठ दस पाँच दिन पहले डिपेंड करता है ब्रेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं लार्ज हो जाते हैं और जैसे ही मैंनेट्रेशन स्टार्ट होती है तो ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं उसके अलावा टिश्यू डायग्नोसिस कर सकते हैं ताकि हम पेशेंट जी की जितनी एनजाइटी है उसको रिलीव कर लें सो सिंपली हमने क्या करना है मलेग्नेसी को एक्सक्लूड करना है और टिश्यू डायग्नोसिस करना है ये ट्रीटमेंट है लम्पनस की इसके अलावा और कुछ नहीं हाँ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है साथ साथ मैस्टाइल जी है तो अगेन इस केस में पहले मलेग्नेंसी को एक्सक्लूड करना है फिर पेशेंट को रि कराना है कि भाई अब तूने बहुत ज़िंदगी जी लिया अब ये ऐसे ही होगा फिर एडिकेट सपोर्ट वगैरह देनी है इसके अलावा यूज़ करने के लिए ऑयल दे सकते हैं जिसमें इवनिंग प्रम रोज ऑयल आ सकता <laughs> है ये भी ठीक है जब पेन हो तो ऊपर तेल मलना शुरू कर दो डाइनाजोल दे सकते हैं टमागजिफिन देंगे और ढेर सारी एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे नेक्स्ट इज़ गाइनिकोमेस्टिया लड़कों में लड़कियों के मज़े घर वालों ने कहा कुछ बड़ा करके दिखाया और ये गायनिकोमेस्टिया करके दिखाया गया सो इट्स अ इन लार्ज ब्रेस्ट इन मेल्स काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं वेल फिजियोलॉजिकल काजेज़ में यूनिट्स प्यूबर्टी एल्डरली इन में हो सकते हैं ड्रग्स भी देखें साइमेटिडीन डाइजॉक्स पायरोनोलैक्टोन स्टीरॉइड्स मैथलोपाई ये सारे आ सकते हैं इसके अलावा एक्सेस ऑफ़ ईस्ट्रोजन हो जाए ईस्ट्रोजन किस तरह ज़्यादा हो सकता है या तो टेस्टिस नहीं काम करे या एड्रिनल्स ने भी टेस्टिस बनाना होता है उनके अंदर मसला हो गया या फिर लिवर ने क्या करना होता है नॉर्मली ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करना होता है सो so, अगर लिवर भी फारिग हो जाएगा तो ऐसोजन के लेवल्स बढ़ जाएंगे सो so, इसमें क्या क्या कॉजेज़ आ सकते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं एड्रीनल न्यूपलाज्मा हो सकता है या फिर इसके अलावा हेपैटोसलर कार्सिनोमा सिरोसिस ऑफ लिवर so, सो ये सारी कॉजेज़ हैं ऐसट्रोजन एक्सेस की इसके अलावा एंडोजेंटन डेफिशियंसी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल बाबूजी में ये बड़ी ब्रेस्ट मिलेगी क्योंकि सेवेंटी एज के बाद एंट्रोजेंस जो वो थोड़े बनते हैं टेस्टोस्ट्रोन कम बनता है क्लाइन फिल्टर में ब्रेस्ट बड़े बड़े होंगे लेप्रोसी में ओकाइटस में रेडिएशन में रीनर फेलियर में सो ये सारी कॉजेज हैं दे एंड्रोजेंट डेफिशेंसी की या ईस्टोजेंस ज़्यादा हो जाएगा या एंड्रोजेंट कम हो जाएगा सो ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कॉज उसको ट्रीट करना है और एक्सक्लूड करनी है मलेग्नेंसी कौन सी टेस्टिकुलर एड्रीनल या फिर लिवर की हो सकता है पैटोसेलर कार्सिनोमा हो सकता है एड्रीनोकॉर्टिकल नियोप्लाजमो हो सकता है कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर हो उसके अलावा ट्रीटमेंट में और क्या कर सकते हैं सबकुटेनियस मेस्टेक्टमी कर सकते हैं प्रिजर्विंग द निपल एंड एरियोला नेक्स्ट इज मैस्टेलजिया इट इज़ द पेन फ्रॉम द ब्रेस्ट मैस्टेलजिया जो है वो ब्रेस्ट के अंदर से भी हो सकती है जिसे उनके ब्रेस्ट पेन या फिर रेफर्ड हो सकती है चेस्ट में से चेस्ट वॉल में से फॉर एग्ज़ाम्पल लेटरल चेस्ट वॉल पेन हो सकती है टेड सिंड्रोम हो सकता है सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सो अगर ट्रू मेस्टाइलजिया की बात करें जो अंदर ब्रेस्ट में से ही निकल रही हैं तो जो टू थर्ड पेशेंट हो गए उनके अंदर साइक्लिकल होगी यानी मैंस्ट्रोल साइकिल के साथ रिलेटेड होगी और जो वन थर्ड पेशेंट हो उनके अंदर नॉन साइक्ल होगी यानी मैंस्ट्रल साइकिल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा सो अगर साइक्लिकल पेन की बात करें वो पेन जो कि मैंसटुएशन से तीन से सात दिन पहले स्टार्ट हो जाती है ये मोस्टली अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में होती है क्योंकि यहाँ पर ब्रेस्ट के सबसे ज़्यादा ग्लैंडुलर रीजन है सो साइक्लिकल पेन इज़ मोस्ट लाइकली इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट रीजन मैंस्टुएशन से तीन से सात दिन पहले पेन ये स्टार्ट होती है और जैसे ही मैंस्टुएशन का ऑनसेट होता है ये पेन जो है इम्प्रूव कर जाती है ना दिस इज़ बिकॉज ऑफ एग्जेजरेटिड रिस्पॉन्स टू द नॉर्मल हारमोनल चेंजेस जिस तरह मैंस्टुल साइकिल प्रोग्रेस करती है तो उसके अंदर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं सो so, जो जो ब्रेस्ट होती है वो इन हार्मोनल चेंजेस को ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स करती है और इसके साथ इसमें स्वेलिंग हो जाती है नोडुलैरिटी ब्रेस्ट की इंक्रीज कर जाती है सो so, ये सारा था साइक्लिकल पेन से रिलेटेड इसके अलावा अगर नॉन साइक्लिकल पेन की बात करें ये वो पेन है जिसका मैंस्टेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है और जितनी भी ड्रग थेरेपी करेंगे इसके ऊपर इसका लेस रिस्पॉन्स होगा सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एज अ रूल ऑफ थाम जब भी फीमेल पेशेंट आनी है तो उसको सबसे पहले तसलियाँ देनी है सो री एश्योरेंस इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट पहले हमने कैंसर जो है मलेग्नेंसी उसको एक्सक्लूड करना है फिर जो वही काम करना है सारी ज़िंदगी जो करते आएंगे फीमेल को री करना है तसल्ली दिए जाना है उसके बाद इवनिंग प्राइमरोज ऑयल जो है वो भी दे सकते हैं दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट आप इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है गैमालिनोलिनिक एसिड ये होता क्या है ये एक फैटी एसिड है जो कि मॉडूलेट करता है हार्मोनल रिसेप्टर इंट्रैक्शन को इन द ब्रेस्ट टिश्यू अब ऐसे नहीं है कि एक दिन तेल लगाए दो दिन तेल लगाए ये तेल चार महीने जो है वो मलना पड़ता है रगड़ना पड़ता है फिर जाकर हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट आती है साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल मेस्टेलजिया के अंदर जो साइक्लिकल होता है वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है फिफ्टी एट परसेंट और जो नॉन साइक्लिकल होता है वो थर्टी एट परसेंट रिस्पॉन्स कर देता है इसके अलावा ब्रेस्ट सपोर्ट करेंगे आप दिन के टाइम के रखने रात के टाइम खोल ऑपोजिट करना करने यानी फर्म ब्रा जो है वो डे टाइम यूज़ करनी है और नाइट टाइम सॉफ्ट ब्रा यूज़ करनी है उसके अलावा डानाजोल यूज़ कर सकते हैं इसका एंटी इस्टोजेनिकट है और इसको हम सवियर पेन के अंदर ही यूज़ करेंगे सो डानाजोल एंटी इस्टोजेनिक अफेक्ट एस्ट के साथ है और इसको हम सवियर पेन के अंदर यूज़ करेंगे इसके अलावा बाकी ड्रग्स हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रोमोक्रिप्टीन टमोक्सिफेंट एस्टोस्ट्रोन गोजिन ये सारी हैं लेकिन ये मेस्टेलजिया के लिए अनलाइसेंस्ड है इसके अलावा ये तो था हमारे पास ट्रू मेस्टेलजिया एक रेफर्ड मेस्टलजिया भी होता है जिसमें से चेस्ट की जो पेन होती है वो रेफर्ड होती है टू द ब्रेस्ट सो इस केस में जिसमें पेन रेफर हो रही है टू द ब्रेस्ट इसमें जो पेन ओरिजिनेट करेगी फ्रॉम द चेस्ट वॉल और ये नॉन सिक्लिकल ब्रेस्ट पेन होगी इसका मैस्टोरेशन के साथ कोई इतना रिलेशन नहीं होगा अब हमें कैसे पता चलेगा कि चेस्ट वॉल की पेन है वेल यूनिलैटरल होगी उसके अलावा बर्निंग पेन हो सकती है स्टैपिंग पेन हो सकती है स्टर्नस एक्टिविटी के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है और फर्म प्रेशर अप्लाई करने से ये पेन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है अब हो क्या सकता है ये लेटरल साइड पे भी पेन हो सकती है और मीडियल साइड के ऊपर भी पेन हो सकती है अगर तो पेन मीडियल साइड पर है इसे कहेंगे दिस इज टीट सिंड्रोम और अगर पेन जो है वो लेटरल साइड पर दैट्स बिकॉज ऑफ लेटरल चेस्ट वॉल पेन मोस्ट केसेज़ में सिर्फ वही काम करना है री करना है तसलियाँ दिए जाना है दिए जाना है और अगर नहीं फर्क पड़ रहा तो बस फिर तसली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेड ही लिख देंगे नेक्स्ट इज द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट अब जो ब्रेस्ट ट्यूमर है दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ़ डेथ इन द मिडिल एज वुमेन इंसिडेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज करे काजेज़ क्या हो सकते हैं वेल well, सबसे पहले एज ट्वेंटी साल से पहले रेयर है नाइन्टी ईयरस के ऊपर हो सकता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ लेडीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं फैमिली हिस्ट्री फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर है जेंडर पॉइंट फाइव परसेंट मेल्स हैं बाकी जितनी सारी हैं नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट वो फीमेल्स हैं इसके अलावा हार्मोनल अफेक्ट्स हो सकते हैं फॉर एक्जाम्पल ईस्टोजन में जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होगा इस केस में हम एग्जांपल ले लेते ले हैं एक ऐसी औरत की जो कहती है मैंने शादी करनी ही नहीं है सो so, अगर वो शादी नहीं करती तो उसका ईस्टोजन एक्सपोजर को ब्रेक नहीं मिलेगा प्रेगनेंसी जो होती है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव होती है वो करती क्या है कि ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बंद कर देती है और प्रोजेस्टोस्टोन का एक्सपोजर उसमें स्टार्ट हो जाता है सो so, ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बंद होना ठीक है यानी प्रेगनेंसी इस्टैब्लिश होना ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जितना ज़्यादा इस्ट्रोजन के साथ एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा इंसिडेंस कार्सिनोमा का बढ़ता जाएगा इसी तरह जिन लोगों के अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है उनके अंदर अर्ली प्यबर्टी हो जाती है अर्ली मीनार हो जाती है और जिनके अंदर ईस्ट्रोजन चलता रहता है चलते रहता है सो उनका मेनोपॉज भी लेट आता है सो अर्ली मीनार और लेट मेनोपॉज इंक्रीज़ करेंगे रिस्क लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसी जो जिद लगा के बैठी है मैंने शादी नहीं करनी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आफ्टर थर्टी इयर्स इसका रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर जाता है प्रेगनेंसी इज़ प्रोटेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी क्या होता है नॉर्मल जो साइकिल होता है वो रुक जाता है और प्रोजेस्टोस्टोन और लैक्टेशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं उसके अलावा ओ ओसी पीस इनके अंदर भी इस्टोजन होता है सो तो ये ये भी क्या करेंगे ये भी रिस्क को इंक्रीज करेंगे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें भी हम इस्टोजन दे देंगे तो फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा इसके अलावा डाइट की बात कर सकते हैं हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल इंक्रीज द रिस्क रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क इंक्रीज कर जाएगा जेनेटिक्स की बात करें तो वेल इसमें बरका वन बर्का टू पी फिफ्टी थ्री और जर्म लाइन पी टेन म्यूटेशन हो सकती हैं वेल बरका वन बरका टू भी हो सकती है उसके अलावा ली फ्राम सिंड्रोम के अंदर पी फिफ़्टी थ्री म्यूटेशन होगी और कॉर्डवेंस डिजीज़ के अंदर जर्म लाइन म्यूटेशन होगी पी टेन में क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर को हम डिवाइड कर सकते हैं जिन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को पैनिट्रेट नहीं किया या ऐसे कैंसर जिन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया है पेनीट्रेट कर दिया है सो so अगर नॉन इन्वेजिव है तो उन्हें हम कहेंगे इंस्टीट्यूट साइट के अंदर है और जिन्होंने इन्वेज़ कर दिया तो ज़ाहिर है वो कार्सिनोमा हो गए सो so, अगर नॉन इन्वेजिव की बात करें तो उसमें आ जाएंगे इन सिटी कारसिनोमा फॉर एग्जाम्पल डक्टल कार्सिनोमा इन सिटी और लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटी डी सी आई एस एल सी आई एस इन्वेजिव की बात करें जिन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया तो इसमें इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा उसी डी सी आई एस की एक्सटेंशन या फिर एल सी आई एस की एक्सटेंशन इन्वेजिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा इसके अलावा और क्या आ सकते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा कोलॉयड कार्सिनोमा इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा और फिर पैजेट्स डिजीज ऑफ नेपल स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये चेस्ट वॉल के अंदर स्प्रेड हो सकते हैं लिम्फैटिक्स के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं या फिर इनका हिमाटोजीनस ब्लड के थ्रू स्प्रेड है सो so अगर लिम्फैटिक्स की बात करें तो हमने पता है कि 70 परसेंट जो है वो एक्जरी नोड्स के अंदर जाते हैं कुछ जो इंटरन मेमोरी नोड्स के अंदर भी जा सकते हैं सुप्राक्लेविकुलर में जा सकते हैं कॉन्ट्रा लिम्फ नोड्स यानी दूसरी साइड लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट के जितने मेट्स हैं वो राइट साइड पर चले गए या राइट के जितने वो लेफ्ट साइड पर सो कॉन्ट्रा लेटरल लिफ फ्लोर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं हेमैटोजीनियस ब्लड के थ्रू कहाँ कहां जाएंगे बोन लीवर लंग्स और ब्रेन दो बी के दो एल के बोन ब्रेन लंग लीवर उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वेल जब एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्रेस्ट के अंदर लंप मिलेगा लेटर स्टेज में तो अल्सरेट कर जाएगा और इसमें अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर सिक्सटी परसेंट इन्वॉल्व होते हैं प्योडी ऑरेंज अपेयरेंस हो सकती है इसमें जो ब्रेस्ट है वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ गुटेनियस लिफेटिक्स इस तरह ऑरेंज लाइक अपेयरस और बिल्कुल स्वेलिंग हो जाएगी और अडीमा से भर जाएगी तो इसे कहते हैं दिस इज प्योडी ऑरेंज अपेयरेंस और इसके अलावा निपल की रिट्रैक्शन हो सकती है या फिर ब्लड स्टेंड डिस्चार्ज आ सकता है एग्जिल रिलिम्फेडनोपैथी हो सकती है और पेशेंट जो है मेट्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है हो सकता है कि कोई ब्रेस्ट कैंसर uh, का पेशेंट जो है प्रेजेंट करे बोन पेन के साथ प्लूरलफ्यूजन हिमापटेसिस के साथ या फिर लिवर प्रॉब्लम या सिरोसिस वगैरह के साथ प्रेजेंट करें डायग्नोसिस किस तरह करेंगे वायल मेलिग्नेसी को डायग्नोस करने के लिए एफ़ एन ए सी करेंगे ट्रूकट नीडल बायोप्सी करवा सकते हैं या फिर इंसिजनल बायोप्सी करवा सकते हैं अब जो ट्रू कट या जो कोर कट नीडल बायोप्सी है ये हम तब कराएंगे जब हमने पहले एफ़ एन ए सी करवाया और एफ़ एन ए सी करवाना पर हमें कुछ भी नहीं मिला तो फिर हम बाद में ट्रू कट की तरफ जाएंगे अब ट्रू कट किस तरह करेंगे पालपेटरी मैथड से भी कर सकते हैं या फिर अंडर गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं या फिर स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं तो हम डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने डायग्नोसिस किया मलिग्नेसी का एफ एन ए सी करवाया नहीं समझ आई तो ट्रू कट करवाए या फिर इंसीजनल बायोप्सी करवाई फिर क्या करेंगे लोकल एक्सटेंट देखेंगे डिजीज़ का मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड या एम आर आई ब्रेस्ट का करवाएंगे फिर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे वैल एक तो हम पैलपेट कर सकते हैं क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं उसके अलावा सेंटिनल लिफ नोड की बायोप्सी करवाएंगे अब ये सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है ये वो वाहद खुश नसीब लिम्फ नोड होता है या पहला लिफ नोड होता है जो कि किसी ट्यूमर एरिया से ड्रेन करा होता है यानी इन सिंपल वर्ड्स ट्यूमर एरिया की जितनी ड्रेनेज जिस लिफ नोड में सबसे पहले जाती है उसे हम कहते हैं दिस इज सेंटिनल लिफ नोड सो so, इसकी हम बायोप्सी करेंगे और फिर सिस्टेमिक स्प्रेड देखेंगे फॉर एग्जांपल लंग्स है तो एक्सरे सिटी चेस्ट करवा लेंगे लिवर का अल्ट्रासाउंड करा लेंगे या सिटी अपडामिन करा लेंगे लिवर को देखने के लिए उसके अलावा बोन स्कैन है तो फिर रेडियो आइसोट्रोप बोन स्कैन कराएंगे बोन्स को चेक करने के लिए ब्रेन को चेक करने के लिए सी ब्रेन कराएंगे और हेड एंड नेक इसके अलावा ट्यूमर स्टेजिंग हो सकती है टी स्टेजिंग है टी की बात करें तो टी आई एस विच इस कार्सिनोम इन सिटी अभी इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया और अगर कर जाए तो टी वन टी टू टी थ्री या टी फोर T1 का मतलब है साइज इज लेस देन टू सेंटीमीटर T2 का मतलब है दो से पाँच सेंटीमीटर T3 का मतलब है पाँच से बड़ा है और T4 का मतलब है कि एक्सटेंड कर गया इनटू चेस्ट वॉल और स्किन TNM में दूसरी बात N की N नोड नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व N1 का मतलब है पैल्पेबल लिम्फ नोड मिल गया ऑन द इप्सीटरल साइड N2 का मतलब है कि अगेन एप्सी साइड है लेकिन फिक्स नोड है और N3 का मतलब है कि एप्सी साइड है लेकिन इंटरनल मेमोरी नोड है सो एन वन एपसी लेटरल मोबाइल एन टू एपसी लेटरल फिक्सड एन थ्री एपसी लेटरल नोड और अगर एन थ्री मेमोरी नोड है तो फिर एन वन एन टू क्या है वो एक्चुअली एक्जिलरी नोड्स हैं उसके अलावा टी एन एम स्टेजिंग में एम देखे तो एम नोड नो मैट्स एम वन का मतलब डिस्टेंट मैट्स हैं इसके अलावा ये तो था टी एन एम सिस्टम स्टेजिंग का अगर यू आई सी सी स्टेजिंग सिस्टम देखें तो इसमें स्टेज जीरो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री और स्टेज फोर है स्टेज जीरो का मतलब करसिनोमेंसिटी है विद नो नोट्स नो मैट्स स्टेज वन का मतलब टी वन स्टेज है फॉर एग्जाम्पल लेस दैन टू सेंटीमीटर नो नोट्स नो मैट्स स्टेज थ्री के बहुत सारे मतलब हैं स्टेज थ्री का ये मतलब है कि टी वन है एन वन या एम ज़ीरो टी टू एन जीरो एम ज़ीरो टी टू एन वन एम ज़ीरो टी थ्री एन ज़ीरो एम जीरो स्टेज थ्री का मतलब है कि इसमें टी थ्री होगा या टी फोर होगा नोड्स कोई भी हो सकते हैं एन नॉट भी हो सकता है एन वन एन टू एन थ्री वट्स एवन नोड के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है टी थ्री टी फोर एनी नोड और नो मैथ्स सो दिस इज़ स्टेज थ्री और अगर स्टेज फोर की बात करें तो टी भी कोई भी हो सकता है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर नोड भी कोई भी हो सकता है एन वन एन टू एन थ्री और मैट्स होना इसमें मास्ट है सो so, अगर मैट्स आ जाएंगे दिस इज स्टेज फोर उसके अलावा मानचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम है इसमें सिंपली क्या है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री और स्टेज फोर स्टेज वन का मतलब है कि मोबाइल लंप है एंड देयर आर नो लिम्फ नोट्स स्टेज टू का मतलब है कि मोबाइल लंप है विद पैल्पेबल लिम्फ नोट्स स्टेज थ्री का मतलब है कि फिक्स लंप है नोट्स को छोड़ दो पैल्पेबल है कि नहीं स्टेज फोर का मतलब है कि डिस्टेंट मैट्स है सो so, अगर जल्दी से रिवाइज करें स्टेज वन मोबाइल विद नो लिफ नोड्स स्टेज टू मोबाइल विद पैल्पेबल लिम्फ नोड्स स्टेज थ्री फिक्स लम्प नोड्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है और स्टेज फोर मेट्स प्रेजेंट है ट्रीटमेंट की बात करें अब ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह एक सिस्टामिक डिजीज है पूरी बॉडी में फैलता है बोन ब्रेन लिवर लंग्स और नोड्स सो इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ट्रीटमेंट में रखेंगे सो so, अगर ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्टेज जीरो की बात करें इज़ कार्सिनोमा इन टी यानी डक्टल कार्सिनोमा डी ये वो कैंसर है जिसने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया जितनी भी प्रोलीफ्रेशन है एपिथेलियल लाइनिंग की वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे पीछे ही है अब 20 परसेंट केसेज़ में ये डिजीज़ जो है मलिगनेंट है इन्वेजिव है वरना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करती नॉर्मली और टेन से ट्वेंटी परसेंट के अंदर यह बायोल्ट्रल है डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे मेमोग्राफी के थ्रू और इसमें करेंगे क्या कि वैन नॉइस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स निकालेंगे और फिर इस वैन नॉइस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स की बेस पर हम डिवाइड कर लेंगे कि लो इंटरमीडिएट या हाई स्कोरिंग ग्रुप है अब जो लो ग्रेड स्टेज जीरो कार्सिनोमसिट्यू के ट्यूमर्स uh, होंगे उन्हें हम किस तरह ट्रीट करेंगे पार्शल मेस्टेटमी करेंगे जो इंटरमीडिएट कारसिनोम सिटी ग्रुप होंगे उन्हें हम क्या करेंगे पार्शल मेस्टेटमी विद एडेंट रेडियोथेरेपी और जो हाई ग्रेड ट्यूमर होंगे इन सिटी हो के उनकी हम कंप्लीट मेस्टैक्टमी करेंगे विद with और विदाउट रेडियोथेरेपी इसके अलावा पेशेंट के लिए हम स्कैन करेंगे हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी के लिए अगर तो हमारा पेशेंट हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आ गया फिर हम देखेंगे कि प्री मेनोपोजल है या पोस्ट मेनोपोजल है अगर तो प्री मेनोपोजल हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिव है यानी पॉजिटिव है तो इस केस में हम टिमोक्सिफिन देंगे और अगर पोस्ट मैनोपोजल हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो इस केस में अरोमाटेस इनहिबिटर्स देंगे तो ये सारी ट्रीटमेंट थी कार्सिनोमा इंसिट्यू में डक्टल कार्सिनोमा इंसिट्यू हमने एक और भी पढ़ा है कि एक लॉब्यूलर कार्सिनोमा इंसिट्यू भी होता है वेल well, वो क्या होता है वेल well, ये लॉब्यूल्स में से निकलता है और लॉब्यूज़ कौन से टर्मिनल डक्ट लॉप्यूलर सिस्टम के लॉब्यूज़ अब इसकी वजह से होता क्या है कि ये सारे डिस्टॉर्शन कर देता है लेकिन जिस तरह के इसका नाम है कार्सिनोम सिट्यू का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करता बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे पीछे रहता है डिस्टेंशन करता है डिस्टॉर्शन करता है मल्टीफोकल भी हो सकता है बाइलेटरल भी हो सकता है माइक्रो कैल्सिफिकेशन के साथ भी हो सकता है और फिफ्टी सेवेंटी परसेंट केसेज़ में ये बायो भी होता है अब जब किस किसी पेशेंट के अंदर लॉब्युलर कारसिनोमा इंसिटिव आ जाए तो उसका मतलब कि उसके अंदर इंक्रीज रिस्क है इन्वेजिव डिजीज़ का सो so अगर किसी पेशेंट के अंदर लॉबुलर कारसिनोमा इंसिटिव आ गया तो इसका यह मतलब कि उसके अंदर इंक्रीज सिर्फ रिस्क है इन्वेजिव डिजीज़ का इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये प्रिकर्सर है इन्वेजिव डिजीज़ का पेशेंट के अंदर अभी कोई मैट्स नहीं है कोई इन्वेजन नहीं है लेकिन हाँ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कैरी करता है सो ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग सर्विलेस करेंगे प्रोफाइलेक्टिकली डिमॉगजिफ देंगे या फिर बायोलेट्रल टोटल मेस्टेक्टमी करेंगे सो प्रोफाइलेटिकली मेस्टेक्टमी क्या करेंगे और किन लोगों में कर सकते हैं ये उन लोगों में कर सकते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे लोग जिनके अंदर बड़का वन की म्यूटेशन है जो बड़का वन पॉजिटिव है और उनके अंदर रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का इन लोगों के अंदर प्रोफाइलेटिकली मेस्टेक्टमी कर सकते हैं तो अभी तक हमने बात किया है स्टेज ज़ीरो की पहले उसमें बात की डी सी आई एस की डी सी आई एस को हमने देखा फर्दर डिवाइड किया वेनॉइस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स के थ्रू लो इंटरमीडिएट और हाई ग्रुप में फिर हमने उनके लैदर ट्रीटमेंट्स देखी फिर अब बात की एल सी आई एस की और एल सी आई एस में देखा टेमोक्सिफिन या फिर बायोलेटरल टोटल मेस्टेक्टमी करते हैं और प्रोफेलेटिकली मेस्टेक्टमी कुछ लोगों के अंदर कर सकते हैं सो ये सारा था स्टेज ज़ीरो इसके बाद बात होगी स्टेज वन और स्टेज टू की अब इनमें क्या करेंगे सर्जरी करेंगे कीमो रेडियो और हार्मोनल थेरेपी सेलेक्टिव केसेस में देंगे सो स्टेज टू का क्या मतलब ये वो लोग हैं जिनके अंदर टी वन है एन नोड और एम नोड सिर्फ ट्यूमर का साइज़ जो है वो लेस देन टू तो सेंटीमीटर है कोई नोड्स नहीं है कोई मैट्स नहीं है सो अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के अंदर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी आ सकती है जिसमें हम आती ब्रेस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे या जितनी बच सकती है उसको बचाने की कोशिश करेंगे या फिर मेस्टैक्टमी करेंगे जिसमें पूरी ब्रेस्ट उड़ा सकते हैं मेस्टैक्टमी सिंपल भी हो सकती है एक्सटेंडेड सिंपल भी हो सकती है मॉडिफाइड रेडिकल भी हो सकती है या फिर हाथ रेडिकल मैस्टैक्टमी भी हो सकती है सो so, अगर सबसे पहले बात करें सर्जरी में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तो इसमें होगा क्या कि जो ट्यूमर होगा उसको हम काटेंगे और उसके अलावा जो हेल्दी टिश्यू है वन सेंटीमीटर मार्जिन का साथ उसको भी रिसेक्ट कर लेंगे सो so, उसके बाद फिर क्या करेंगे रिसेक्शन के बाद रेडियोथेरेपी करेंगे रिमेनिंग ब्रेस्ट के ऊपर ताकि रीअकरेंस ट्यूमर की ना हो फिर क्या करेंगे अब जो हमने ड्यूरिंग द ऑपरेशन इंट्रो ऑपरेटिवली जितना ये सारा पीस है उसका फ्रोजन सेक्शन लेंगे और फिर असेस करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और चेक करेंगे कि जितने हमने मार्जिनस काटे हैं फ्रेश टिश्यू के वो सही आए हैं कोई पीस रह तो नहीं गया कार्सिनोमा का ब्रेस्ट के अंदर इसके अलावा कुछ इंडिकेशन है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल मल्टीफोकल ट्यूमर है चार पांच जगहों पे निकला हुआ है उसमें हम कंजर्व किस तरह कर सकते हैं उसके अलावा कोई ट्यूमर है जो कि निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स के ऊपर निकला हुआ है या निपल के ऊपर आ गया या एरियोलर के ऊपर आ गया तो इस केस में भी ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं कर सकते या कोई ऐसी ब्रेस्ट है जिसके ऊपर पहले हमने ट्राइया मारी हो रेडियोथेरेपी की हो सर्जरी की हो तो दोबारा उसके ऊपर हम कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं कर सकते कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है एनलाडाला सिंड्रोम है वगैरह वगैरह तो इस केस में भी नहीं कर सकते लैक ऑफ रेडिएशन फैसिलिटीज़ है ज़ाहिर है जब हमने ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है तो साथ रेडियोथेरेपी भी मस्ट करनी है रेडियोथेरेपी नहीं है सिर्फ सर्जरी की चीर फाड़ हमने क्या करनी है दोबारा ट्यूमर जो है वो वापस रियक्कर हो जाएगा सो अगर रेडिएशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर भी हम बी नहीं कर सकते उसके अलावा ऐसा कोई पेशेंट है जो बड़ा आपको देखने से ही ज़िद्दी आंकड़ों से लग रहा है कि ये बार बार नहीं आएगा फॉर एग्जांपल कोई अम्मा आती है कहती है मेरा पुत्र मैं बार बार नहीं आना मैं बार बार शर्ट नहीं लानी एक बारी तू जो ये करना कर लें सो so, ऐसा पेशेंट जो फॉलोअप के लिए रेडी नहीं है उसके अंदर बी नहीं करेंगे उसके अलावा ऐसी ब्रेस्ट जिसके अंदर हमने दो दफ़ा कोशिश की है लेकिन फिर भी जो ट्यूमर के मार्जन्स हैं जब हमने फ्रोजन सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो मार्जन क्लियरेंस नहीं मिली मार्जन्स जो हैं वो पॉजिटिव है ट्यूमर साइज के लिए तो फिर हम क्या करेंगे कंजर्वेटिव को छोड़ के मेस्टेटमी की तरफ आ जाएंगे सो अगर मेस्टेक्टमी की बात करें ये कब करेंगे वैले ये तब इंडिकेटेड है जब ट्यूमर का साइज़ फ़ोर सेंटीमीटर से बढ़ाओ मल्टीफोकल ट्यूमर हो या डक्टल कार्सिनोम सिटी हो या एल सी आई एस हो सें से करेंगे अब मैस्टेक्टमी की डिफरेंट टाइप्स है सबसे पहले हैं सिंपल मैस्टेक्टमी इसमें हम क्या रिमूव करेंगे नैब्स एन ए बी एस एन स्टैंड फॉर निपल ए स्टैंड फ़ॉर एरियोला बी स्टैंड फॉर ब्रेस्ट टिश्यू एस स्टैंड फ़ॉर स्किन सो इसमें हम नैब्स रिमूव करेंगे एक्सटेंडेड सिंपल मेस्टेटमी में क्या है वेल सिम्पल मेस्टेटमी है नैब्स रिमूव किया है फॉर एग्जाम्पल निपल एरेला ब्रेस्ट स्किन साथ लेवल वन के एक्लरी नोड्स की भी क्लियरेंस कर दी तो हमने इसे कह दिया एक्सटेंडेड सिंपल मेस्टेटमी उसके अलावा एक मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेटमी होती है जिसे हम पैटिस मेस्टेटमी कहते हैं और इसमें क्या क्या रिमूव करेंगे सारी ब्रेस्ट पूरा ही गोल सब कुछ उड़ा देंगे ठीक है उसके अलावा लार्ज पोर्शन ऑफ स्किन कंटेनिंग नेपल एंड एरियोला उसके अलावा जितना एक के अंदर फैट है एक के अंदर फेशिया है लिम्फ नोड्स अप टू लेवल टू लेवल वन लेवल टू तो दोनों दें। उड़ा देंगे सो so, पूरी ब्रेस्ट उड़ा दी एग उड़ा दिया एग में फैट है फेशिया है उड़ा दिया उसके अलावा निपल उड़ा दिया एरियोला उड़ा दिया लिफ नोड लेवल वन लेवल टू सब उड़ा दिया दिस इज़ मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेटमी सो दिस मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेटमी इज़ आल्सो नोन एज पेटी हैटमी इसके अलावा एक और में, में है दिस इज कॉल्ड हॉल्स्टेड रेडिकल रेडिकल में, में ये रेयरली परफॉर्म करते हैं और इसमें क्या है सारी ब्रेस्ट निपल एरियोला पैक मसल पैक मेजर पैक माइनर लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री एक्सिलरी नोट्स जो कुछ मिलते जाना है उखाड़ते जाना है लिफ नोट्स जितने एग्जिला के हैं लेटरल एंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल एपिकल इन सब को उखाड़ देना है अब होता क्या है कि लेवल वन के अंदर आते हैं वो लिफ नोट्स जो लेटरल टू पैक माइनर मसल हैं लेवल टू के अंदर जो पैक माइनर के पीछे पड़े हैं और लेवल थ्री के अंदर जो पैक माइनर के मीडियल हैं तो हॉल स्टेड रेडिकल मेस्टैक्टमी क्योंकि वर्ड रेडिकल है रेडिकल का मतलब है सब सबको छुड़ाते जाना है जो जो आगे आते जाना है हमने उड़ाते जाना है सो इसमें सब सबको छुड़वा देंगे उसके अलावा अगर स्टेप्स की बात करें मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टैक्टमीज या पेटी मेस्टाटमी के तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को बेहोश कर देना है एनस्थीजिया देना है पोजिशन ऑफ पेशेंट पेशेंट को सीधा सुपाइन लेटा देना है हेड को स्लैटली एलिवेट कर देना है आर्म्स को जो है वो साइड के ऊपर एबडक्ट कर देना है एबडक्ट का मतलब कि आर्म्स को खोल देना है बाहर की तरह यानी इस तरह जिस तरह बगलें खोल देनी है इस तरह एबडक्ट कर देना है इंसीजन देना है इंसीजन किस तरह देंगे एलिप्टिकल इंसीजन देंगे जो कि निप्पल के अराउंड होगा और एरियोलर के अराउंड होगा जिस तरह आँख बनाते हैं ना इस तरह ऊपर वाली और फिर नीचे वाली तो इस तरह एक एलिप्टिकल सा इंसीजन देना है जो कि एरिला के ऊपर भी आएगा एरेला के नीचे भी आएगा लेटरल से मीडियल और फिर अगेन मीडियल से लेटरल और इस तरह जिस तरह आई शेप होता है या बादाम की शेप होती है उस तरह का सी देना है फिर क्या करना है फ्लैप्स को रेज करना है स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू के आठ मिलीमीटर थिक फ्लैप्स बनाने अपर फ्लैप को रेज करेंगे अप टू द क्लेविकल लोअर फ्लैप को रेज करेंगे अप टू द रेक्टस एब्डोमिनस मसल मीडियल साइड पे क्या करेंगे डाइसेक्शन करते जाएंगे अप टू मिड लाइन लैटरल साइड पे क्या करेंगे अगेन डाइसेक्शन करेंगे अप टू पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड फिर उसके बाद जितने ब्रेस्ट इशूज हैं उन्हें रिमूव कर देंगे अलॉन्ग विद एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट फिर इसके बाद क्या करेंगे एग्जिलरी क्लेरेंस करेंगे इसमें जितना फैट है के अंदर एग्जिलरी लिम्फ नोड्स अप टू तो लेवल टू यानी लेवल वन लेवल टू लेवल वन के अंदर वो वाले आएंगे जो पैक माइनर के लेटल है लेवल टू के अंदर वो आएंगे जो पैक माइनर के पीछे है सो इस सारे डायसेक्शन के दौरान हमने दो तीन चीज़ों को बचाना है फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व को हमने बचाना है डायसेक्शन में और अगर ये कट गई तो फिंगिंग ऑफ स्केपोला हो जाएगा और इसी तरह थोरैको थोरेकोडॉर्सल नर्व को हमने बचाना है जो कि लेटिसमस डोरसी को सप्लाई कर रही है सो so, इन दो नर्व्स के अलावा और किस चीज़ को बचाना है एग्जिला में एक्जिलरी वेन भी जा रही होती है बगल में सो so इसको भी साथ बचाना है सो so, अगर जल्दी जल्दी से मॉडिफाइड रेडिकल मस्टैक्मी यानी पेटिस मस्टैक्मी को रिवाइज करें पेशेंट को सबसे पहले बेहोश किया जनरल एनेस्थीसिया सीजा दिया सुपाइन डाला आर्म्स खोल दी इलेप्टिकल इंसीजन दिया एलेप्टल इंसीजन के बाद स्किन सबकुटेनियस टिश्यू के फ्लैप्स एट सेंटीमीटर थिक जो है रेज कर देना है अपर फ्लैप को क्लैविकल तक रेज करना है लोअर फ्लैप को कोडेक्टस एबडामनस मसल तक रेज करना है मीडियल साइड के ऊपर डाइसेक्शन करनी है अप टू तो मिड लाइन ले लेटरल साइड के ऊपर डाइसेक्शन करनी है अप टू तो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोर्ड उसके बाद ब्रेस्ट को रिमूव करना है एक्सिलरी टेल को रिमूव करना है एक्सिला के अंदर फैट को रिमूव करना है लिम्फ नोड्स को रिमूव करना है प्रिजर्व किस को करना है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को थ्राक्टो नर्व को और एक्सिलरी वेन को फिर एंड में क्या करना है दो सक्शन ड्रेन्स डालने और फिर भूड को क्लोज कर देना है तो ये थी सारी मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्मी अब इसके बाद अगर बात करें सेंटिनल लिम्फ नोड की वेल well, जिस तरह के पहले बताया ये वुश नसीब लिम्फ नोड है ये पहला ग्लैंड है जो कि किसी ट्यूमर एरिया से सारी लम्फैटिक ड्रेनेज को रिसीव कर होता है सो द फर्स्ट लिम्फ नोड टू रिसीव लिम्फैटिक ड्रेनेज फ्रॉम अ ट्यूमर दिस इज सेंटिनल लिम्फ नोड अभी हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं वेल well, होता क्या है कि जो ट्यूमर है उसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर हम इंजेक्शन में आ, कोई डाई डाल देते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटांस डाल देते हैं या कोई ट्रेसर सब्सटांस जो है उसे डाल देते हैं अब इसका मतलब कि ट्यूमर भी वहीं पर ड्रेन हो रहा है तो ये डाई भी वहीं से ही ड्रेन होना शुरू हो जाएगा सो ये चलता चलता क्या करता है लिम्फैटिक्स पर जाता है और फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड के ऊपर चला जाता है ये रेडियो एक्टिव सब्सटांस जिस तरह बताया कोई ब्लू डाई भी हो सकता है रेडियो एक्टिव कोलोइड भी हो सकता है जिसको हम गैमा कैमरा के हेल्प के थ्रू बाद में ट्रैक करें फिर वो लिम्फ नोड जो है हमें मिल जाएगा हम क्या करेंगे उसकी बायोप्सी करेंगे और भेज देंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अगर तो सेंटिनल लिम्फ नोड के अंदर ट्यूमर सेल्स हैं तो इसका मतलब उस लिम्फ नोड के अराउंड और जितने भी लिम्फ नोड हैं उनको भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अगर हमने इसकी बायोप्सी कराई है और इसके अंदर कोई ट्यूमर सेल्स नहीं है तो फिर जितने भी बाक़ी आसपास रीजनल लिम्फ नोड्स हैं उनकी एक्सटेंसिव डायसेक्शन की ज़रूरत नहीं है इसको हम कहते हैं दिस इज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी और ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्निक है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर मलिगनेट मैलानोमा हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ये नेगेटिव आ जाए कोई सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव ना है तो इसमें क्या करते हैं एक्जरी डाइसेक्शन को अवॉइड करते हैं ज़ाहिर जब लिम्फ नोड आए ही नहीं है पॉजिटिव तो हमने उसकी बगल की चीर फाड़ क्यों करनी है सो so इस तरह जितनी कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोनल इंजरी हैिफ एडीमा ऑफ द आम जिसे हम ब्रानी जडीमा कहते हैं सो so ब्रेस्ट सर्जरी के बाद अगर आम बाजू इतना बड़ा अडीमा एडिमेटस हो जाए सूज जाए तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ ब्रानी जडीमा सो so ऐसी फजूल कॉम्प्लिकेशन को फिर हम रोक सकते हैं इस सब के अलावा अगर पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हेमाटोमा बन सकता है सिरोमा वून इन्फेक्शन हो सकते हैं फ्लैप्स जितने थे उनकी नेक्रोसिस हो सकती है नर्व इंजरी हो सकती है नर्व में आ सकती है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व थ्रैकोडोर्सल नर्व और इसके अलावा एडीमा हो सकता है आम का जिसे हम कहते हैं इज एडीमा इसके अलावा ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें आप जिसके उखाड़ दिए उनको फिर जोड़ना भी तो है सो so, रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है वो एट द सेम टाइम भी कर सकते हैं या फिर आफ्टर इंटरवल भी कर सकते हैं किस तरह कर सकते हैं वेल सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं या टिस्मस डॉर्सी मसल के फ्लैप्स डाल सकते हैं या फिर सिंपल ट्रैम फ्लैप्स डाल सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसफर्स एपडामनस मसल के फ्लैप्स सो so, मतलब अंदर कुछ भर देना है वैसे तो थोड़ी है कि हम कपास भर सकें सो सिलिकॉन भर देना है या मसल भर देना है मसल्स में लैट्स आ सकते हैं या फिर ट्रांसफर्स एपडामनस आ सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें कीमोथेरेपी की तो कीमोथेरेपी हम उन केसेस में करते हैं जिसमें सारे नोड पॉजिटिव आए पेशेंट की स्टेज जो वो स्टेज वन हो स्टेज टू हो कैंसर का साइज़ ग्रेटर देन वन सेंटीमीटर हो और ऐसा कैंसर जिसके एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हो फॉर एग्जांपल ऐसा कैंसर जिसने इन्वेड कर दिया ब्लड वेसल्स को लिम्फेटिक वेसल्स को हाई ग्रेड ट्यूमर है हर टू की ओवर एक्सप्रेशन है ई ER, आर पी आर हॉर्मोन रिसेप्टर नेगेटिव है फैमिली हिस्ट्री है सो so, इस सारे केसेस में हम कीमोथेरेपी करेंगे अब कीमोथेरेपी में डिफरेंट प्लान्स हमारे पास आ सकते हैं फॉर एग्जांपल साइक्लोफोस्फामाइड मीथोटैक्सिड और फाइफ्लोरो यूरोसल इसे हम कहते हैं सी एम एफ और इसकी वजह से 25 परसेंट कैंसर रिडक्शन हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 टू 15 इयर्स इसके अलावा कुछ मॉडर्न कीमोथेरापिक प्लान हैं जिसमें हमारे पास डॉग्स रूबी आ सकते हैं एपी रूबी से ना सकते हैं है, या कुछ न्यू एजेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्जीस आ सकते हैं और ऐसे पेशेंट जो हर टू न्यू पॉजिटिव हैं उन्हें हम ट्रस्ट देते हैं सो so, हर टू न्यू पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ट्रस्टु ये तो थी सारी कीमोथेरेपी इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी भी हो सकती है इसमें दो ड्रग्स के ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं एंटी ईस्ट्रोजेंस भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अरोमाटेज इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं अब जो एंटी ईस्ट्रोजेंट ग्रुप है उसके अंदर टमागजिफिन आती है और जो अरोमाटेज इन्हीबिटर है उसके अंदर अनास्टाजोल आती है सो so, ये हम यूज़ uh, कर सकते हैं एज अ हारमोनल थेरेपी अब जो पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं ईस्टोजन रिसेप्टर्स के लिए और वो अपने प्री मैनुपजल फेज़ के अंदर होते हैं तो उन पेशेंट्स के अंदर हम टिमोजिफिन देते हैं इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के होते हैं और वो पोस्ट मैनोपोजल स्टेट के अंदर होते हैं सो इन पेशेंट्स के अंदर हम अनास्टोजोल देते हैं सो प्री मैनोपोजल में टिमोजिफिन पोस्ट मेनोपोजल में अनास्टोजोल और हार्मोनल थेरेपी को कम से कम पाँच साल जो है कंटिन्यू करके रखते हैं वेल well, इसके बाद नेक्स्ट है कि एग्जिलरी क्लेरेंस क्या होती है ये करते क्यों हैं एग्जिलरी क्लेरेंस कहते हैं एक्जिला में से फैट को उड़ा देना और एग्जिला में से जितने नोड्स हैं लिव नोड इनक उड़ा देना सो रिमूवल ऑफ फैट एंड लिम्फ नोड इन द एग्जिलरी अब ये करते कि इन में इंडिकेशन क्या है स्टेज वन और स्टेज टू डिजीज में करते हैं सबसे पहले आ, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं इसमें जो लिम्फ नोड्स इस डाई को पिक कर लेते हैं और हम उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गैमा कैमरा तो फिर उनकी हम डाइसेक्शन करते हैं और अगर सेंटिनल लिम्फ नोड्स इनको ना पिक करें यानी ये नेगेटिव हो जाए तो फिर एग्जिलरी क्लियरेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें होता क्या है कि लिम्फ नोड्स हम उड़ाते हैं अप टू लेवल टू अप टू का मतलब कि इसमें लेवल वन भी उड़ेगा लेवल टू भी उड़ेगा लेवल वन वाले वो होते हैं जो पैक माइनर के लेटरल होते हैं लेवल टू वाले वो होते हैं जो पैक माइनर के पोस्टीरियर साइड पर या बिनीत होते हैं सो so, इसमें सर्जन करता क्या है कि पाँच से पैंतीस लिम्फ नोड्स को जो है उड़ा देता है रिमूव कर देता है और फिर बाद में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं फिर उसमें देखते हैं कि जितने ज़्यादा लिम्फ नोड्स जो हैं इन्वॉल्व हैं तो इस तरह हम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोग्नोसिस डिजीज़ का एस्टिमेट कर लेते हैं अगर तो ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं तो डिजीज़ का प्रोग्नोस्टिक पुअर है और अगर थोड़े से इन्वॉल्व हैं तो अच्छा है मोर्टेलिटी रेट जो है वो थोड़ा कम है ओके इसके बाद टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी अब कोई प्रेगनेंट वुमेन ब्रेस्ट कैंसर के साथ आ जाती है तो वो डिपेंड करता है किस ट्राइमेस्टर के ऊपर है फर्स्ट पे है सेकंड पे है थर्ड पे है तो हर ट्राइमेस्टर की डिफरेंट ट्रीटमेंट है फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में आई है तो हम उसकी मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेटमी कर सकते हैं अगर कोई वुमेन थर्ड ट्राइमेस्टर के साथ आई है तो इसमें हम क्या करेंगे ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी कर सकते हैं लेकिन जो रेडियोथेरेपी इसका पार्ट होता है ज़ाहिर बी सी के साथ रेडियोथेरेपी देनी होती है रेडियोथेरेपी को हम डिले कर देंगे अनटिल uh, जब तक बच्चा पैदा हो जाएगा फिर बाद में रेडियोथेरेपी कर देंगे सो so, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई वुमन आ रही है तो उसकी ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी करेंगे और रेडियोथेरेपी डिले कर देंगे अगर कोई वुमेन सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रही है तो इसमें हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं इट्स ओके तो ये सारी ड्रग्स जितनी है साइक्लोफोसोमाइड मिथ हो ट्रैगजेड फाइव फ्लोर हो यूरोसल ये सारी दे सकते हैं हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इसके अलावा अगर कोई विमेन आ रही है फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो उसके अंदर कीमोथेरेपी नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर रिस्क ऑफ अबॉर्शन है सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कीमोथेरेपी नहीं देंगे कीमोथेरेपी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देंगे इसके अलावा अवॉइड हॉर्मोनल थेरेपी एंड अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स एक दफ़ा तो ये अजाव टाल जाए फिर अगले दो साल कुछ नहीं करना चुप करके बैठना है क्योंकि अगले दो साल के अंदर हो सकता है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा रियाकर कर जाए सो इन नट शेल अगर रिवाइज करें फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टक्टमी कर सकते हैं इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे विद डिलेड रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं करते सेकंड और थर्ड के अंदर कर सकते हैं हार्मोनल थेरेपी को अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में और इस प्रेगनेंसी में जिसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया एक दफ़ा ये यजाब टल जाए तो फिर अगले दो साल के लिए फिर नहीं करना लेट्स हैव अनदर उसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट अगर मेल की बात करें तो इसमें पॉइंट फाइव परसेंट मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और स्टेजिंग और ट्रीटमेंट सेम वही है जिस तरह फीमेल की है और प्रोग्नोसिस क्या है ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नासिजम तब एस्टिमेट करते हैं जब हमें स्टेज पता हो ब्रेस्ट कैंसर का फॉर एग्जांपल फ़ाइव ईयर सर्वाइवल अगर स्टेज वन की बात करें तो नाइन्टी फोर परसेंट है स्टेज टू की बात करें तो फाइव ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो सेवनटी से एटी फाइव परसेंट है स्टेज थ्री की बात करें तो फाइव ईयर सर्वाइवल जो है वो फिफ्टी के अराउंड है और अगर स्टेज फोर की बात करें तो एटीन है फाइव ईयर सर्वाइवल रेट इसके अलावा एन यूज़ करते हैं दिस इज़ नाटिंगम प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स ये क्यों यूज़ करते हैं ये हम डिटर्मिन करते हैं प्रोग्नोसिस आफ्टर द सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की है अब देखते हैं कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है इसमें क्या क्या चीज़ें लेंगे पहले इसमें सबसे पहले ट्यूमर का साइज लेंगे ट्यूमर का ग्रेड लेंगे ग्रेड जो हमने हिस्टोपैथोलॉजी करवा कर लिया उसके अलावा नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व है ये देखेंगे फिर एक फार्मूला है हमारे पास दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू इंटू एस ये ले लेना है उसमें ऐड कर देना है एन और उसमें ऐड कर देना है जी सो जीरो पॉइंट टू इंटू एस का क्या मतलब ऐस का मतलब है साइज़ ऑफ द ट्यूमर इन सेंटीमीटर्स जितने सेंटीमीटर हमने ट्यूमर का साइज़ लिया उसको पॉइंट टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसके अंदर एन डालना है और जी डालनी है एन क्या है नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व एक है दो है तीन है तीन, है, तीन से ज़्यादा है जी क्या है ग्रेड ऑफ द ट्यूमर ग्रेड वन है तो वन नंबर ग्रेड टू है तो टू और गंदा ग्रेड है डिस प्लास्टिक है एना प्लास्टिक है तो ग्रेड थ्री स्कोर अगर 3.4 से कम आ गया है तो इसका मतलब गुड प्रोग्नोसिस है फाइव ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो आ, अप टू 93 परसेंट जा सकता है और अगर 3.4 से 5.4 स्कोर आ गया तो इसका मतलब इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है फाइव ईयर सर्वाइवल जो है 50 परसेंट है स्कोर अगर 5.4 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब पुअर प्रोग्नोसिस है फाइव ईयर सर्वाइवल जो है वो 50 परसेंट से कम है इसके अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करें तो जब भी कोई नॉर्मल हेल्दी वुमेन चालीस साल की हो जाएगी तो चालीस साल के बाद से उसको हर साल मेमोग्राफी करानी पड़ेगी इसके अलावा अगर कोई फीमेल अपनी 20 इयर्स में है या 30 इयर्स में है तो उसे हर तीन साल बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और अगर कोई फीमेल 40 साल से ऊपर है तो उसे यरली हर साल बाद अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी सो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो छोटे से स्टार्ट करते हैं अगर कोई वुमेन ट्वेंटी या थर्टी साल की है तो उसे हर तीन साल बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा अगर कोई वुमेन चालीस साल की है तो उसे हर साल अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और अगर कोई वुमेन चालीस साल से ऊपर टाप गई है तो उसे अपने हर साल साथ मेमोग्राफी भी करवानी पड़ेगी